हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस चैनल। इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की मैथ्स वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। डेट है इसकी 17th of August 2021। और वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आपकी इन चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो आइए देखते हैं, ये आपका चित्र एक है, यहाँ पर दिया गया है, ये आपका चित्र दो है। अब ये वाला जो चित्र है, इसमें हुई हैं गलतियाँ, तो आइए ढूंढते हैं। चार गलतियाँ ढूंढनी हैं। तो पहली गलती की, ये देखो यहाँ पर घड़ी बन रखी है, लेकिन इस पिक्चर में घड़ी नहीं है। दूसरी गलती, यहाँ पर जो फ्रिज है उस पर कुछ चिपका हुआ है, जबकि यहाँ पर एक पेपर चिपका हुआ है। यहाँ पर तीन डॉट टाइप के हैं, स्टिकर्स हैं आई थिंक, है ना। यहाँ पर देखो शीशियाँ रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, कुछ रखा हुआ है लेकिन देखो यहाँ नहीं रखा हुआ। यहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं सो रही नीचे, लेकिन देखो यहाँ पर सो रही है। और भी कई सारी गलतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चार बोली हैं, तो हमने चार ढूंढ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित का जन्मदिन। कल अमित का जन्मदिन है, अंकिता और मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए घर को सजाने की तैयारी की है। सजावट का सभी सामान जो बाज़ार से आना है, उसके लिए अंकिता ने एक सूची बनाई तथा उसमें सांकेतिक भाषा में कुछ सामान के नाम लिखने की सोची, जिससे अमित को जन्मदिन की पार्टी के आयोजन के बारे में पता ना चल पाए। उसकी सांकेतिक भाषा कुछ निम्न प्रकार से थी। आइए हम तालिका को पूरी करके सामान के नाम सांकेतिक भाषा में लिखने में अंकिता की मदद करें। तो देखिए, ये देखिए इस प्रकार से है, ए यानी वन, बी यानी टू, सी पहले तो यहाँ पर देखो ऊपर हमने ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक हमने लिख दिए अल्फ़ाबेट सारे। उसके बाद ए जो है वो वन है, फिर बी के नीचे टू, सी के नीचे थ्री, फिर काउंटिंग लिख दी है 1 से लेकर 26 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सजावट का सामान क्या है, सजावट का सामान सांकेतिक भाषा में उसका नाम आप लिखेंगे। जैसे देखो पहले गिफ्ट्स, पहले सजावट के सामान में गिफ्ट्स आ जाता है, तो गिफ्ट्स देखिए ये सांकेतिक भाषा है इसकी, सात हमें सांकेतिक भाषा में लिखना है उसे। तो सात देखो यानी जी, जी के नीचे कौन सा वर्ड आ रहा है, सात आ रहा है, तो हमने सात लिखा। उसके बाद आई, आई के नीचे नाइन आ रहा है, तो हमने नाइन लिखा। उसके बाद एफ, एफ कहाँ है, एफ के नीचे सिक्स आ रहा है, तो हमने सिक्स लिखा। उसके बाद टी कहाँ पर है, देखिए टी, टी के नीचे 20 आ रहा है। और उसके बाद है एस, है ना, गिफ्ट्स में लास्ट लेटर है एस, तो एस के नीचे 19 आ रहा है, तो हमने 19 लिखा। इस तरीके से सांकेतिक भाषा में हमने नाम लिखना है। रिबन्स, रिबन में सबसे पहला है आर, देखते हैं आर कहाँ पर है, तो आर के नीचे 18 आ रहा है, तो 18 लिखेंगे पहले। उसके बाद आई, जल्दी जल्दी देखते हैं, आई के नीचे 9 आ रहा है, तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये फ्लावर्स भी पूरा करना है, मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं आंसर, बैलून्स, वॉल हैंगिंग और कैंडल्स, ये सब आपको इस तरीके से सांकेतिक भाषा में पूरे कर लेने हैं। यहीं पर आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश, ठीक है। यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव में आज थोड़ा पढ़ा दे रखा है, इसको हम पढ़ ही लेते हैं। देखो ये हमने EVS की वर्कशीट आपकी जो आई थी कल, उसमें पढ़ा था। तो ये है जेब्रा क्रॉसिंग, ये किसका साइन है, आगे विद्यालय है, और ये साइन है मरम्मत कार्य चालू है इसका, ठीक है। तो बच्चों को विभिन्न यातायात नियमों, संकेतों और उनके महत्व के बारे में बताइए। तो यही आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।